press the bell icon on the YouTube app and never miss an. अगर हमारे यहाँ पे एक सच्चर कमिटी रिपोर्ट है, उसको अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बुरी हालत में मुसलमान बंगाल में रह रहा है या उन प्रदेशों में, उन स्टेट्स में रह रहा है जहां पर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज रही हैं, और उनका फॉर्मूला केवल एक है, डोंट आस्क अस फॉर एनीथिंग लाइक एजुकेशन और अपलिफ्टमेंट, आप केवल ये याद रखो कि हम आपको उनसे बचा रहे हैं, हम उनसे मतलब हिंदुओं से बचा रहे हैं, वरना तो हिंदू आपको राइट्स में मार देगा। तो इस तरीके के झूठे अफवाहों को फैलाकर मुसलमानों को डराकर ये राजनीति की जाती है 60 साल से की, इसलिए वो गरीबी में अभी तक है, और अभी भी वैक्सीन से लेकर हर मुद्दे पर मुस्लिमों को मोदी से डराओ, बीजेपी से डराओ, आरएसएस से डराओ, ये राजनीति चलती आ रही है। जरूर पूछती हूँ, तो आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी कि एजुकेशन में पीछे क्यों रह गए? जी, बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप देखेंगे ड्रॉप आउट रेट्स में भी जो मुस्लिम बच्चियों का होता है बनिस्बत बाकी धर्मों के मजहबों के बच्चियों के मुतालिक, तो बहुत ही ज्यादा फर्क है और ये होना नहीं चाहिए। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि जब से अलग अलग टॉयलेट्स बने हैं, क्योंकि ये बहुत ही दुश्वारी थी, देखिए बच्चियों के लिए बाहर निकलना, छेड़छाड़, एक्सेस, हाईवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब ज़रूरी चीज़ें होती हैं, और सेफ्टी एक बहुत बड़ा वो होता है, और सबसे ज़रूरी तो ये होता है कि माँ बाप इसकी इजाज़त भी दें। तो अगर इजाज़त होती भी है, लेकिन बाहर के हालात इतने ख़राब होते हैं कि लोग घबराते हैं, और जब बच्चे एक सर्टेन एज की होती हैं तो जाहिर सी बात है टॉयलेट की ज़रूरत और ये सब भी ज़रूरी हो जाता है उनके लिए। तो इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगी कि सिर्फ मुसलमान अगर बच्चों की बात की जाए तो 70% ड्रॉप आउट रेट था, जो अब घटकर 30% हो गया है, यानी कि सिर्फ 7। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। सालों में 40% का फर्क है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी नीतियां रही हैं जो खास तौर से किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, जो ओवरऑल गवर्नेंस को लेकर चीजें बेहतर की गई हैं। तो हर बात को हिंदू करना, मुसलमान करना, जो कि पॉलिटिशियंस करते आए हैं और उसको इस्तेमाल करते आए हैं, हमेशा मजहब को इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अगर आप गवर्नेंस मॉडल को देखें और ऐसी स्कीमें लाएं और ऐसी योजनाएं लाएं, और अगर आपके जैसे चाहे तहसीलदार हो, पटवारी हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, या DM हो, या मजिस्ट्रेट हो, कलेक्टर हो, अलग अलग लेवल्स पर हो, अगर वो सारी स्कीमें जो सेंटर की हैं वो बिना किसी भेदभाव के बराबरी के साथ उनको मुकम्मल तौर से उनको कर रहा है, शाये होने दे रहा है, मतलब एक तरह से काम करने दे रहा है, इम्प्लीमेंट होने दे रहा है, तो उससे सबका फ़ायदा होता है। और क्योंकि मुसलमान सोशो इकोनॉमिक इंडिसीज पर, माशी तौर पर, सामाजिक तौर पर काफ़ी वीक हैं, और उनको उठाने, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए ये सारी सेक्युलर पार्टीज आरजू जो बहुत बातें करती हैं मुसलमानों की, इतने 70 सालों से उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि आप बार बार मुसलमानों को बताते हैं तो मुसलमानों तो सब मुसलमान जानते हैं मुसलमान हैं भाई, और उनको डराया जाता है कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, फिर उनका नाम ले लेकर आप उनको तो सियासी चारा बनाकर उनको वोट्स की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए क्या करते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इंडिया में एक बहुत बड़ी कमीशन थी जो कांग्रेस के वक्त में ही आई, और उसमें साफ तौर में बताया गया कि उससे पता चला, राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट है, कि जो जहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत रही है जिन स्टेट्स में, सबसे ख़राब रिकॉर्ड्स माइनॉरिटीज़ के, मुसलमानों के, क्योंकि खासतौर से मुसलमानों के लिए बनाई गई थी वो, तो वो वहाँ पे थे। और कम्युनिस्टों के, मतलब पश्चिम बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में, तो आप उसको मशरूकी बंगाल कहेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा ख़राब रिकॉर्ड था। आप देखिए, अगर आप उनकी रिप्रेजेंटेशन देखिए, नुमाइंदगी सरकारी जॉब्स में भी, टॉप लेवल जॉब्स में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, एजुकेशन में भी, क्रेडिट स्कीम से होती है उसमें भी, क्योंकि उनको कितना वो मिलता है, क्रेडिट मिलता है, बैंक लोन्स वगैरह मिलते हैं, सैनिटेशन, बुनियादी सैनिटेशन, साफ़ सफाई, तो आप देखेंगे कि रिकॉर्ड इन सब पैरामीटर्स पर, पैमानों में इतना ख़राब रहा है।
तो मतलब ये बातें कुछ करते हैं, करते हैं कुछ और हैं। मेरा पूरा आइडिया ये है कि इस तरह की रिलीजियस आइडेंटिटी को हम लोग, वो हमारी अपनी आइडेंटिटी है, देखिए हमारा और हमारे अल्लाह ताला किसी के लिए ईश्वर हैं, रब किसी के हैं, तो वो बीच का मामला उसे रहने दीजिए। आप जो हैं भाई पीएम हैं, आप सीएम हैं, आप डीएम हैं, आप अपना काम कीजिए, जो फंड्स हमारे हैं, जो टैक्सेस हैं, उनका आप काम कीजिए और सबको बराबरी से कीजिए। तो इसलिए मैं बीजेपी को ज़्यादा पॉइंट्स दूंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम हुआ है इसमें, और इसका फ़ायदा ज़ाहिर है जब सबके लिए काम बराबर से हो रहा है और चोरी कम हो रही है और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स हो रहे हैं औरतों के अकाउंट में हो रहे हैं। उन बैंक्स में तो गरीब जा ही नहीं सकते थे, अब सोचिए करोड़ों लोगों के बैंक के अकाउंट्स खुल गए हैं, करोड़ों टॉयलेट्स बन गए हैं गरीबों के लिए, जिसमें मुसलमान भी हैं और दलित भी हैं और सब जात के भी लोग हैं, हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, उनके लिए भी घर बने हैं। तो अगर सरकारी लेवल पर, ऑफिशियली स्टेट के लेवल पर कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है और ना ही होता है, तो और अगर एक भी वाकया कोई आप मुझे बता दें अगर किसी डीएम ने ऐसा किया हो तो मैं मान जाऊंगी। हाँ ये ज़रूर हुआ है और जो होता आया है कि लिंचिंग्स हुई हैं, और लिंचिंग्स दलितों की भी हुई हैं, एक अंकित त्यागी की भी हुई है, एक चंदन की भी हुई है, एक अखलाक की भी हुई है, एक पहलू खान की भी हुई है, और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो आप हर चीज़, और ये सब होता रहा है क्योंकि जब से पार्टीशन हुआ है वो घाव जो है वो तो है ना, वो घाव हील नहीं हुए हैं। तो एक मैं बता रही हूँ, मोदी जी कहीं दूर दराज नहीं थे, मैं जब स्कूल में पढ़ती थी सेंट मेरीज कॉन्वेंट में, और मेरे अब्बा मौलाना इसहाक इल्मी साहब, जिनके बड़े भाई इस्माइल जबी, जहाँ पे इस्लामाबाद पे पूरा एवेन्यू है उनके नाम पर, तो वो मेरे बड़े अब्बा हैं, सोचिए। सही। तो वो मैंने डिस्कवर किया जी, तो वो वहाँ गए अब्बा, यहाँ गए अब्बा, छोटे भाई थे और अब्बा बोले मैं नहीं जाऊँगा, तो अब्बा और हमारी दादी यहीं पे रह गए, और एक छोटे उनके भाई थे यूसुफ चचा, जो अभी अमेरिका में दुबई में अपने बच्चों के साथ, जहाँ पे भी बच्चे होते हैं उनके साथ रहते हैं। तो मैं तो उस घर से हूँ, और वो दारुल उलूम से अब्बा आलिम इल्मी खिताब दिया गया था बाकायदा, तो हम लोग हमारे खानदान को, तो मैंने यही देखा है। और हम तो चमनगंज कानपुर के रहने वाले हैं, हमारा पूरा इलाका, अम्मी तो बुरखा पहनती है हमारी, पहनती आई है मतलब, अब तो बहुत ज़ईफ है। तो हमने तो इस तरह से देखा अपने घरों को, हम निकलते थे तो डर लगता था, हम पहली उन घरों में से थे, अब्बा कहते थे नहीं बहुत ज़रूरी तालीम, हम स्कर्ट पहनना पड़ता था सिंध मेरी जाने के लिए, तो बहुत लंबे लंबे मोजे पहनते थे, सब लड़कियां मजाक उड़ाती थी। आप सोच सकती हैं कि भाई गर्मियों में कौन पहनता है स्टॉकिंग्स, लेकिन पहनना पड़ता था क्योंकि इलाका ऐसा था। तब भी ना मैं घबरा कर बस्ता, कभी कभी बस आती थी, कभी कभी कार छोड़ती थी, कभी कभी रिक्शा जाता था, अच्छा जो रिक्शा चलाता था उसके पीछे एक घर से कोई साइकिल में लेके जाता था ताकि महफूज तरीके से जाए, मतलब इस तरह से हम लोग पले बढ़े हैं। तो मैं बस्ता ना एक अपने स्कूल का बस्ता जो होता था अपनी टांगों के ऊपर रख लेती थी ताकि लोग मेरी स्टॉकिंग्स तक को ना देखें, क्योंकि इस तरह के तो लोग हैं। तो ये और ये सबके साथ होता है, देखिए ये एक ये जो मेल तरीका, मेल गेज और ये पेट्रियार्कल सोच जो है ना, ये हर समाज में है, और हम लोग को मिलकर इससे लड़ना है। अगर हम लोग ये लड़ाई कर देंगे ना हिंदू मुस्लिम की, उससे वो बहुत तकलीफ दे लड़ाई है, और उसका कोई खात्मा नहीं है। और इस्लाम हर जगह उसका ज्यूरिसप्रूडेंस अलग अलग है, शरिया भी हर आप जानती हैं आरजू कि बहरीन के अलग रूल्स हैं, कतर में अलग रूल्स हैं, बिल्कुल अल्जीरिया और ट्यूनिशिया में अलग हैं, ताजिकिस्तान में अलग है। तो एक होमोजीनियस आइडेंटिटी बना देना मुसलमानों की, ये भी तो एक गलत बात है ना। तो ये जो हो रहा है कि एक तरह से रहेंगे और यही तरीका है मुसलमानों का रहने का, तो ये उससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। हम लोग क्यों अपनी शक्ल ना दिखाएं, हम लोग क्यों आरजू अपने, हम लोग क्यों सर ढके अपना, बताइए। नहीं हम नहीं सर ढकना चाहते, हमने भी कुरान पढ़ी है और हमें मालूम है किस चीज का पर्दा है और क्या है, और आप क्यों हमें बार बार बता रहे हैं। और हम रिलीजियस एंटिटीज भी हैं और हम सोशल एंटिटीज भी हैं, हमें समाज में भी रहना है। क्यों अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, मैं पूछना चाहती हूँ। अल्लाह ताला अगर सच में औरतों को सोचता है कि वो कम किसी तरह से कमजर्फ है तो दिमाग ही नहीं देता हम लोग को। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, हसरतें नहीं देता। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शाजिया, देखे ना यूएई भी तो है,
देखें यूएई भी है। आप अल्लाह ताला की आपको सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो अगली वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।